अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल गुड। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम रयान अली के पास हैं। हम लोग रैबिट दिखाने वाले हैं और ये देख सकते हैं आप। आइए इनसे पूछते हैं कि इनके पास कौन कौन सी नस्लें हैं और क्या क्या नस्लें होती हैं। खैर मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन आप रयान अली ही बताएंगे सारी चीज़ें। जी रयान अली, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अली फरहान है, मेरी लोकेशन कराची की है और कोरंगी में मेरा एक सेटअप है। इसके अलावा मली में मेरे दो सेटअप हैं। तो रैबिट्स फार्मिंग जो है ना, वो मतलब कि मैं 2012 से कर रहा हूँ। पहले मैं देसी पे कर रहा था, शौक मुझे बचपन से खरगोशों का। उसके बाद ये शौक बढ़ता गया था, वो मैं बिजनेस के पर्पज़ पर आ गया हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ उनका। अच्छा, वैसे ये शौक कब से हुआ आपको ना कि 2 साल ये शौक बचपन से पैदा? ही शौक है, मतलब 2012 से मैं पालता आ रहा हूँ, अभी 2021 चल रहा है। अच्छा खरगोशों अच्छा से तो मेरा ना तक 2012 से इस घर पे, मतलब तो मैं अच्छा देखने और दूसरे कजन वगैरह घर पे थे वहाँ तो मैं देखने जाता रहता था। लेकिन खुद से जो मैंने पालना स्टार्ट किया, मतलब मैंने स्कूल लाइफ से खुद से मैंने पालना स्टार्ट सही किया सही। एज अ बिजनेस। तो मैंने अभी स्टार्ट किया यानी कि अभी साल कितना था, कितने साल होगा आपको इस बिजनेस को स्टार्ट किए? तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए। 1.5 से 2 साल हो गए। जी अभी ये आपका यहाँ कौन सी जगह है, ये आप जगह बताओ। ये कोरंगी 2.5 नंबर है, रेडियो पाकिस्तान सबसे। और इसके अलावा कहाँ पर है इसके और जगह? अलावा दो जो है वो मलीर के अंदर है, इसके अलावा पार्टनरशिप के अंदर इफ्ताबाद और रावलपिंडी के अंदर। अच्छा माशाल्लाह, बाहर भी कर रहे हो आप, कराची से बाहर भी आप जी कर रहे हो। जी और चलें ठीक है, तो आप ये बताओ कि आपके पास अभी कौन कौन सी ब्रीड मौजूद है यहाँ मेरे पर? पास कराची में जो है तकरीबन 15 अलग अलग ब्रीड मौजूद है मेरे पास। उसमें जो है कुछ जायंट ब्रीड्स भी हैं मीट पर्पज़ के लिए, जो आगे जाके काम आएंगी मीट्स के, लेकिन अभी वो फैंसी पे ही चल रही हैं। उसमें जैसे कि वियाना आ गया, न्यूजीलैंड वाइट आ गया, न्यूजीलैंड हाईकोल आ गया, न्यूजीलैंड हाइला आ गया। ये न्यूजीलैंड हाईकोल और हाइला जो है ये बहुत रेयर ब्रीड्स हैं और ये न्यूजीलैंड की ही मतलब ना एक म्यूटेशंस कह सकते हैं, या एक उसके अलग मतलब एक टाइप है, उसकी आला नस्ल है, मतलब एक प्रो वर्जन आप कह सकते हैं अच्छा, तो न्यूजीलैंड आप का। बाहर से भी यानी कि इंपोर्ट कर रहे हो जी और एक्सपोर्ट भी जी कर रहे मैं हो? खुद इम्पोर्ट नहीं करता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि मतलब वो भी इस फार्मिंग से रिलेटेड हैं, उस फार्मिंग में, तो हम सही उनके सही जैसे इम्पोर्ट करते हैं। इस सही। तरह से मैं खुद डायरेक्ट मेरा कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये कि जो आप इम्पोर्ट करवा के इम्पोर्ट? देते हैं मेरे दोस्त वगैरह, हम लोग मिलकर जो इम्पोर्ट करते हैं। सही सही। अच्छा रेहान, मुझे ये बताओ कि ये ब्रीड कौन कौन सी होती हैं वैसे इनमें, रैबिट्स में, इनमें और तकरीबन कितनी दो ब्रीड्स होती हैं? मुझे ये चार बताओ। अलग अलग इसमें साइज होते हैं। सबसे पहले जो है वो डॉग ब्रीड्स आती हैं, इनमें तकरीबन नेदरलैंड डॉग, डॉग वॉटर, डॉइनर डॉग, टेडीवे डॉग, ये ब्रीड्स होती हैं, सबसे छोटी ब्रीड्स होती हैं। सही। इनमें जो बच्चे देने की तादाद भी जो है वो उनकी कम होती है, 4 से 5 होती है। उनकी जो है वो ब्रीडिंग एज भी होती है वो 5 मिनट तक तकरीबन में ब्रीडिंग काबिल हो जाते हैं, फौरन जल्दी हो जाते हैं सही सही दूसरे रैबिट्स के मुकाबले, सही। उनके मुकाबले में। इसके बाद दूसरे जो उनसे आगे अगर बात करें तो अंगोराज में आते हैं, जाइंट अंगोरा, इंग्लिश अंगोरा आ गई, लूप आ गए, हॉलैंड लूप आ गए, और ये आप जितनी वो बता रहे हैं कैटेगरी आपके है। पास मौजूद हैं ये सारी जी ब्रीड्स? ये उसके बाद ये कैटेगरीज आती हैं। उसके बाद उनके कान नीचे होते हैं, लूप जो है ना वो होते हैं जिनके कान नीचे कान होते नीचे हैं। जिनके होते हैं जी लूप कहलाते हैं वो। लूप सही। के बाद अगर आप और आगे जाएंगे तो ये अंगोरा मैंने बताया, जाइंट अंगोरा, इंग्लिश अंगोरा, ये फ्रेंच अंगोरा और जर्मन अंगोरा भी है, लेकिन वो बहुत ही कम किसी के पास हैं और कुछ लोग इन्हीं को जो है ना वो जर्मन अंगोरा कह के दे रहे होते हैं सही अक्सर। सही सही। इसके अलावा उसके बाद अगर चले जाए तो न्यूजीलैंड और वियाना और ये ब्रीड आती हैं। उससे सही। ऊपर और अगर चले जाए ना तो वो और जो बड़ी ब्रीड्स हैं वो जाइंट ब्रीड्स के अंदर आती हैं, जाइंट चेकर्ड, जाइंट फ्लेमिश जाइंट और जर्मन जाइंट, ये तकरीबन 3 ब्रीड्स आती हैं। ये फुल साइज के अंदर होती हैं, तकरीबन तकरीबन 8-9 किलो तकरीबन भी होता है और 13 किलो तक भी ये जाते हैं। सही सही। इनके बच्चों की तादाद भी इसी तरह से ज़्यादा होती है, अच्छा 8-9 ब्रीडिंग, बच्चों के सही साथ। सही। अच्छा इनकी क्या कॉस्ट वैल्यू क्या होती है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होती है इनकी? बच्चों की मैं आपको अंदाजा बता देता हूँ, जैसे कि बच्चे जो फैंसी में स्टार्ट होते हैं वो अभी जिस कोविड की वजह से रेट कम है, अभी अभी के हिसाब से जो है तकरीबन तकरीबन जो है वो 5,000 रुपये से बच्चों के पहले स्टार्ट होते हैं, तो 70,000 रुपये तक के इनके बच्चों के पेरे अलग अलग ब्रीड्स के। अच्छा सही। अच्छा इनकी एज बताओ यार, एज कहाँ तक होती है? जैसे हम लोग बकरों में दिखाते तो तकरीबन 8 साल से भी ज़्यादा एज पे यानी कि सरवाइव कर जाते हैं, तो आप इन रैबिट्स के हवाले से बताओ कि कहाँ तक इनकी एज होती है? मैं इनका स्टार्ट से बता देता हूँ, जैसे इनकी जो टोटल जो ब्रीडिंग जो इनकी लाइफ वो होती है ना, इनकी जो टाइमिंग होती है वो 30 डेज का होता है, मतलब अच्छा 29 से 31 दिन तक तकरीबन जो है ना इनका ब्रीडिंग पीरियड होता है। ब्रीडिंग पीरियड उसके होता है। अंदर सही। तकरीबन 12 दिन में इनकी आँखें खुल जाती हैं, उसके बाद ये 15 से 20 दिन के अंदर जो है वो बॉक्स से बाहर आ जाते हैं, अच्छा फीड खाने लग जाते हैं, मतलब फिर इनके तकरीबन 35 डेज तक तकरीबन जो है वो 30 से 35 दिन पर फोर्टी मदर फीड डेज होता तक भी करते हैं मदर फीड। उसके बाद जो है वो सेल के काबिल जो है ना 45 डेज और 2 मंथ के करीब जो है ना वो सेल के काबिल हो जाते हैं। है। अब जब सेल के काबिल हो जाते हैं
उसके बाद ये है कि वो अगर ब्रीड, अगर डॉग ब्रीड है तो वो तकरीबन 4 महीने बाद ही ब्रीड काबिल हो जाएगी। सही। अगर वो अंगोरा है तो वो 5 महीने बाद होगी। अच्छा। अगर वो, क्योंकि 2 महीने के बच्चे सारे 2 महीने, तो न्यूजीलैंड है तो वो तकरीबन 6 महीने और वेट करना पड़ेगा, 6 और 2 7 8 महीने। अच्छा, जितनी अच्छी क्वालिटी पे होते जाओगे उतना, जितना बड़े वेट, जितने ज्यादा वेट और जितना बड़ा रैबिट होगा ना, वो उतना ही टाइम लगा, उतना ही टाइम लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जो पीरियड 30 डेज का है, लेकिन ब्रीड के काबिल होने के लिए लेना वो थोड़ा सा इनको टाइम लगता है, जितनी बड़ी ब्रीड। अच्छा, एक्चुअल टाइम क्या होना चाहिए ब्रीडिंग का, कि इस स्पेसिफिक टाइम में? वो डॉग की अलग है, जैसे डॉग ब्रीड्स का मैंने बताया कि वो 5 मंथ्स तक मिले, न्यूजीलैंड के लिए अलग है। शेफर्ड जायंट और जर्मन जायंट की बात करें तो उनकी अलग तकरीबन एज है। सही, लेकिन सही। जो है वो तकरीबन 4 अलग अलग की इनकी साइज के हिसाब से, तो उनके अलग अलग ब्रीडिंग पीरियड है, लेकिन तकरीबन 2 साल 2.5 साल 3 साल तक तकरीबन ब्रीडिंग करते हैं, फिर ये लोग सेल कर देते हैं। बाकी एज तो इनकी ज्यादा होती है। एज कितनी होती है मैक्सिमम, इसका तो आइडिया नहीं, लेकिन ये ज्यादा होती है, लेकिन कुछ जो है वो 3 से 4 साल तक तो निकल जाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आइए देखते हैं फिर रैबिट्स के, इनके पास अभी इधर क्या मौजूद है। ये कौन सी ब्रीड है? भले निकालो नहीं, कोई मसला नहीं। लाइन लोग ये अभी बनी छोटे हैं, इनके आहिस्ते आहिस्ते ये अपने कान गिरा लेंगे, तकरीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर ये वो कान गिरा लेते हैं। अभी तकरीबन जो ये 25 दिन के छोटे हैं तकरीबन। अच्छा, तो ये इनकी ब्रीडिंग यहीं पे हुई है? जी जी। ये इंग्लिश अंगोरा है, ये फीमेल है, इसके बनीज है, मैं भी दिखाता हूँ, बड़े हो गए इसके साइडों से, ये पूरा मुंह इनका ढक जाता है बालों से, बच्चे अगर दिए थे तो ये ट्रिमिंग इसने, मतलब इसने वूल वगैरह खुद उतारी हुई है, वरना ये फुल फुल भरा हुआ होता है, भरा हुआ होता है। सही। चलिए ये व्याना ब्लू आई है, ये जो आप कह रहे थे कि टैटू जो बाहर का वो है, ये वो है? जी जी। ये जो है ये ब्लू आई के अंदर है, इधर से देखो, ये ब्लू आई के अंदर है। सही। क्या ब्रीड है? सबके सेल करता हूँ, लोग बिजनेस के पर्पज के लिए लोग लेके जाते हैं, जैसे बर्ड्स के लोग कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, घर की कुछ खवातीन होती हैं, जैसे कि जो पार्ट टाइम शो करते हैं, स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं, और बहुत से ऐसे शौकी है जो ऐसा पेट पालने वाले हैं वो लेके जाते हैं, और कोई एक मेल भी वो मांगता है, कोई दो फीमेल जो भी है आप अवेलेबल कर देते हो उनके लिए। सही। कोई ब्रीडिंग पेयर मांगना चाहे पूरी ब्रीडिंग वो भी दे दोगे आप? जो है वो मांगना चाहता है तो वो भी हम करके देते हैं। सही। तो साल में 3 से 4 दफा जो है हम शिपमेंट मंगवाते हैं, तो उसमें पहले से ऑर्डर ले लेते हैं। सही सही। तो जो तकरीबन 10% 20% जो है घास पेमेंट लेके वो चीज उनको वहाँ से बेल्जियम से हो, यूरोप से हो, या इंडोनेशिया से, दूसरे भी मंगवा, तो वहाँ से जो है ना उनको अरेंज करके दे देते हैं। तो भाई रेयान अली का नंबर आप नीचे मैं डाल दूंगा, मेरा दी पेट्स फार्म के नाम से पेज है इंस्टाग्राम। अच्छा। पर भी और फेसबुक के ऊपर, तो जरूर लाइक करें भाई, पेट्स फार्म के नाम से पेज है। यूट्यूब पे भी है? यूट्यूब पे अभी फिलहाल नहीं है। सही। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैं नंबर इनका डाल दूंगा रेयान का, जिसको भी लेना चाहे, जो लेना चाहता है कोई सी कौन सी ब्रीड जो इनके पास अवेलेबल है, और अगर नहीं भी है तो ये आपको अवेलेबल कर देंगे। 15 अलग अलग ब्रीड्स मौजूद हैं जो कि कराची में मौजूद हैं, कराची के 3 सेटअप है वहाँ पर, और उनमें ब्लू आई की तकरीबन जो है वो 5 ब्रीड्स अपने सबसे ज़्यादा ब्लू आई के अंदर है। इंग्लिश अंगोरा मेरे पास कुछ ऐसे भी है, रेड आई के अंदर भी है, ब्लू आई के अंदर भी है। इंग्लिश अंगोरा ब्लू आई बहुत रेयर है, लेकिन वो मेरे पास है। रेक्स ब्लू ब्लू आई के अंदर जो है वो पूरे यूरोप में, सॉरी पूरे एशिया में भी किसी के पास नहीं है, वो पाकिस्तान में 3 लोगों के पास है, मेरे दोस्त ने इंपोर्ट किए थे। वो कौन सा बताया आपने? रेक्स लुक ब्लू आई, वो पूरे इंडोनेशिया में कहीं नहीं है, इंडिया में कहीं नहीं है, वो मेरे पास है। यानी कि यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होगा? मेरे पास है, और तकरीबन 3 फीमेल और 1 मेल है, ब्लू आई के अंदर है, बिल्कुल उसकी जो है वो स्किन है बिल्कुल, वो जो है ना। चलिए वो भी मैं शॉर्ट डाल दूंगा, क्योंकि आपके वो दूसरे फार्म पर है, तो वो आप इंशाल्लाह वो उसको विजिट करके उसके लूप के अंदर मेरे पास लाइन लूप, मिनी लूप, रेक्स लूप, हॉलैंड लूप, जाइंट लूप भी है माशाल्लाह, अभी उन्होंने भी ब्रीड की है, फर्स्ट टाइम मेरे पास अभी जाइंट लूप है। इसके अलावा अगर हम बड़ी ब्रीड्स की बात करें तो व्याना है ब्लू आई के अंदर, वो भी इम्पोर्टेड है, आईकोन है,
हाइला है तकरीबन, वो भी तकरीबन 50 kg 5 kg एक इसके अलावा जो है जाइंट लूप्स हैं ब्रीड के अंदर है। ड्वार्फ ब्रीड की अगर हम बात करें तो नेदरलैंड ब्लू आई रेड आई, इसके अलावा लॉइन एंड ड्वार्फ है रेड आई, अभी टेडी में ड्वार्फ भी मंगवाए हुए हैं इंशाल्लाह वो भी जल्द इंशाल्लाह। तो ये तकरीबन जो ब्रीड है अंगोरा के अंदर जो है वो जाइंट अंगोरा और इंग्लिश अंगोरा ये अवेलेबल हो जाएगा आपके पास। तो भाई जिसको भी चाहिए हो कोई सी भी ब्रीड वो रियान अली से रब्ता कर सकता है। आइए अभी इधर देखते हैं कौन कौन सी और ब्रीड है। तो रियान ये कौन सी ब्रीड है? माशाल्लाह बहुत प्यारी ब्रीड, क्या नाम है? ये फजी लूप है। फजी लूप जी। लूप किस लिए कहा जाता है? लूप जिनके कान नीचे होना उनको लूप कहा जाता है। अच्छा, ये वूल मतलब ये वूल वाला रैबिट है लेकिन ये है लूप के अंदर, जैसे अंगोरा कहलाता है वूल मशहूर है लेकिन ये लूप के अंदर जो है ना वूल वाला जो है वो फजी लूप ही होता है। अच्छा रियान ये कौन सा क्या ब्रीड है? ये मिनी लूप है ब्लू आई के अंदर, ये देखें ये ब्लू आई के अंदर है। अभी क्योंकि यहाँ पर वो अंधेरा है तो ब्लू आई ये ब्लू आई के अंदर है मिनी लूप। माशाल्लाह बड़ी जो है वो बिल्कुल चोंच निकली हुई होती है, पाकिस्तानियों के पास जो मिनी लूप होते हैं वो, लेकिन ये कि जो अच्छे मिनी लूप हैं वो तकरीबन जो है वो मतलब अच्छी हेल्थ के साथ, मतलब उनके जो शॉर्ट हेयर होते हैं ज़्यादा लंबे कान भी नहीं होते और पंच फेस होता है, पंच फेस भी होता है के अंदर है माशाल्लाह। सही सही, मिनी लूप की फीमेल है ये जी। ये भी किसी को अगर चाहिए हो तो रब्ता कर सकता है। इसके बनीस मिल जाएंगे, ये तो ब्रीड है, ये नहीं दोगे आप? ठीक है ठीक है, चलो दूसरी तरफ देखते हैं। अच्छा रियान अली ये कौन सी ब्रीड के बच्चे हैं? ये इंग्लिश अंगोरा के बनीस है, इंग्लिश अंगोरा फुल साइज, जिसकी मैंने आपको अभी अभी फीमेल जो दिखाई। सही, इसके ब्रीडर पेयर भी अभी अवेलेबल है मेरे पास, 5 ब्रीडर पेयर है, बनीस भी जो है वो बनीस के पेयर सेल में है, मतलब अवेलेबल है, अवेलेबल है। तो ये भी अभी अवेलेबल है फॉर सेल, कोई रब्ता करना चाहे तो ले सकता है। इसकी बुकिंग हुई भी है, मैं 2 महीने के बाद जो है ना वो देता हूँ। अच्छा, 2 महीने के बाद जो एडवांस पेमेंट आई हुई है कुछ भेजने। सही सही, तो भाई जल्दी से रब्ता कर लें रियान अली से ताकि आपको जो आपको चाहिए वो मिल सके। अच्छा रियान अली ये कौन सी ब्रीड है? माशाल्लाह बहुत यूनिक कलर में लग रहे। ये मिनी लूप है और इसकी फीमेल बस तकरीबन पिछले 1.5 साल पहले एक्सपायर हुई थी। ओहो, तो मैंने जो इसको ऐसा पैच पाला है ये बकायदा आवाज पे आता। तो शौकीन हजरात ये भी सुन लें कि मोर्टेलिटी रेट होता है इसमें भी, कोई ये ना देखे। हमारी खुद की गलती की वजह से, खुद की गलतियों की वजह से वो होता ये है कि अगर आप जैसे उनको देसी खरगोशों की तरह जैसे बकरियों की तरह इनको जैसे घर के छिलके वो चीजें दे देते हैं तो उनकी डाइट प्रमोशन। सही सही सही, मैं घर पे मौजूद नहीं था, मेरे गैर हाजिरी में जो है वो इसको कुछ सही लग गया था, जिसकी वजह से मोशन लग गया और वो फौरन उसकी जो है ना वो कुछ घंटों में जो है ना डेथ हो गई थी, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरी वो डेथ हुई मोशन की। तो इसके इस... अल्लाह के शुक्र है मेरी दोबारा कभी मोशन में कभी मेरा सेटअप का डेथ नहीं हुई, उसमें सीख लिया था। अल्लाह ताला हिफाजत करे, जो डाइट है वो दी जाए, इसके अलावा कोई डाइट में कोई चेंज। अच्छा रियान अली ये बताओ मुझे कि ये इसका क्या सेल पर है या क्या क्या है? नहीं ये वैसे मांगते हैं काफी, लेकिन मैं इसको सेल, क्योंकि ये बहुत यूनिक कलर है वैसे, और इसकी ब्रीडिंग करीब करवाई आपने? तो खैर नहीं है, लेकिन ये है कि ये बड़ा प्यारा है, ये ऐसा पेट पला हुआ है, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना इसको। अच्छा, यानी कि आपने अपने लिए रखा हुआ है ये? मतलब इसको हमने कोई सेल के लिए नहीं है ये? जी जी, ऐसे और भी मतलब है कुछ पेट्स वगैरह, मैं जो है ना मतलब खुद नहीं सेल कर, लेकिन ये कि वो बिल्कुल फुल टाइम है, आप जो बेड बिस्तर वगैरह अपने घर में इजीली उनको। तो ये अभी ब्रीडिंग इसकी नहीं करवाई आपने? नहीं ये मेल है, इसकी मतलब फीमेल एक्सपायर हो गई थी तो मैंने जो है वो दूसरी फीमेल मैंने ली थी। सही, तो बस मैंने उससे एक दफा ब्रीड ली है, लेकिन ये है कि इसको मैं फिलहाल सेल नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, सही सही, एज अ पेट मैंने पाला। चलें ठीक है भाई, बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो रियान अली बहुत बहुत शुक्रिया अपना सेटअप विजिट कराने के लिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ आपने। अच्छा आपसे कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं, यानी किधर किधर आप अवेलेबल होंगे और ये ब्रीड्स अवेलेबल होंगी? कराची में मैंने बताया कि 2-3 सेटअप है मलीर और कोरंगी के अंदर, इसके अलावा अगर पिंडी वाले हजरात हैं तो वो चकली रोड के ऊपर मेरा एक सेटअप है, वो भी पार्टनरशिप के अंदर। सही, इसके अलावा लाहौर के अंदर है एक सेटअप, माशाल्लाह एबटाबाद के अंदर भी सेटअप है जो पार्टनरशिप के अंदर है, बाकी लिंक्स तकरीबन हर शहर। तो ऑल ओवर पाकिस्तान आप डील कर रहे हो? जैसे फैसलाबाद हो गया, दीगर हो गया, वहाँ पे लिंक्स हैं, दोस्त हैं, आप पहुँचा सकते हो वहाँ तक। वहाँ पर कोई लेना चाहे तो फार्मिंग करना चाहता है तो भाई हम उनको भेज सकते हैं, और इसके अलावा अगर वो वहाँ पे भी सेटअप विजिट करना चाहता है तो हमारे दोस्तों के सेटअप है वहाँ पे, लिंक्स है तो वो वहाँ पे चीज देखें, हम उनको उनका वहाँ का एड्रेस दे देंगे। अगर वो यहाँ पे नहीं आ सकते, यहाँ से चीजें नहीं, लोग जो है ना वो डरते हैं दूर जाने के लिए, सही। तो हम जो है वो सेफ डील करते हैं, वजह क्या है कि जो है वो कुछ हमने जो पार्टनर्स हमने इस तरह से बनाए, सिर्फ पूरा सेटअप नहीं, चंद ब्रीड्स के अंदर पार्टनरशिप की है,
ताकि जो सेफ डील कर सके, सेफ डील कर सके। अगर मेरी कोई डील पेंडिंग में हो रही है तो ये कि वो वहाँ जाके वो पेमेंट कर देगा, चीज मैं भेज दूंगा और वहाँ से रिसीव कर लेगा। वो अगर ये अच्छा डील करते हैं तो मैं यहाँ पे पेमेंट ले लूंगा, चीज वो भेज देंगे और वो चीज उनको मिल जाएगी, वो टेंशन नहीं होगी कि भाई हमें पेमेंट देगी, सही को जानता नहीं। तो हम एक अपना मैन टू मैन, यानी कि मैन टू मैन आप डीलिंग कर लोगे, यानी कोई कार्गो वाला सर्विस नहीं, कोई डब्बे में पैक करोगे जा रहा है कहीं, वैसा वाला सीन नहीं है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और एबटाबाद के अंदर तो बकायदा अपने सेटअप है। इसके अलावा बाकी दिग्गर शहर जितने हैं ना, लेकिन वहाँ कोई ना कोई अपने रेफरेंस वाले, अपने दोस्त, अपने लिंक के हैं लोग, वहाँ से भी कोई डील करना चाहे तो हम सेफ डील करते हैं। सही सही। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा आखिरी सवाल, अगर कोई नया बनना आना चाह रहा है इसमें, तो वो सबसे पहले क्या एहतियात करे? वो सबसे पहले ये एहतियात करे कि जो है ना, अपना बजट अगर वो बना रहा है ना, तो लोग हमारे पास अक्सर कॉल आती है कि हम 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 15 लाख। ये तो आती है वाकई में। मैं ये वो 50 ब्रीडर फीमेल चाहिए, 2 मेल चाहिए साथ में, तो ये बेवकूफ़ी ना किया करें। अक्सर जो है वो रात को काफी कभी लेट लोग कॉल करते हैं, परेशान करते हैं, मतलब परेशान इस लिहाज से कि मतलब वो चीज सवाल सुबह में नहीं कर सकते, वो रात में ही करते हैं। सुबह भी तो फार्मिंग स्टार्ट हो सकती है, और भी फार्मर यही बात करते हैं, वो भी इन चीजों से डिस्टर्ब होते हैं। नहीं, क्या पता बाहर वाले लोग आपसे रابطہ कर रहे हो और वो रात में, यानी कि उधर सुबह। मैं ये कह रहा हूँ कि रात को बहुत लेट नाइट जो है वो लोग रابطہ करने से रहते हैं, 3 बजे कह रहे हैं, सुबह दिन में भी वो फार्मिंग है। तो भाई टाइमिंग देख के करें, अगर बाहर भी रहे तो पाकिस्तान का टाइम देख के करें। जी जी। इसके अलावा ये कि जो भी नए बंदे हैं जो आना चाहते हैं, वो नॉर्मल प्राइस की जो ब्रीड है ना उनसे स्टार्ट लें, ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना। कौन सी ब्रीड स्पेसिफिक बता दोगे, इस ब्रीड से आप स्टार्ट ले सकते हो? वो किसी भी ब्रीड से स्टार्ट ले सकते हैं। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि जो 5000 से जैसे 70,000 तक के जो बनीज है ना, लेकिन वो जो ब्रीड से करें तो वो 5000 से लेके 50,000 के अंडर तक जो है ना ब्रीड से स्टार्ट, चाहे वो बनीज लें या ब्रीडर लें, 50,000 तक की जो है ना वो प्राइस, मतलब जो उनकी इन्वेस्टमेंट हो वो हो, उसमें वो सीखें। उसके बाद जो है ना, जब उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, चंद मंथ के अंदर से उनको आइडिया हो जाएगा, उनके खाने पीने जो भी उनका डेली रूटीन है, एक आइडिया हो जाएगा। जो डेली है ना इनका, तकरीबन आधा घंटा नहीं लगता है, अगर आप जैसे इनको खाना देते हैं, सफाई वगैरह इतना इनको कुछ भी नहीं है, कोई इतना ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं। जॉब वाले हजरात बहुत यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं जो कि सुबह कॉलेज, यूनिवर्सिटी और शाम में कोचिंग, वो भी टाइम देते हैं। तो जो है अपना कम से कम जो है ना इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करें, सीखें, उसके बाद फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। लोग हमसे भी ना लें, किसी से मैं बोलता हूँ कि जो ज्यादा महंगी ब्रीड जो है ना डायरेक्ट ना लें, थोड़ा सा सीखें उसके बाद, क्योंकि फायदा हमारे ये पहले पछताने से अच्छा है कि बाद में थोड़ा पछता लिया। बंदा डिसार्ट हो जाता है और वो बिल्कुल ही जो है ना वो इस इंडस्ट्री को छोड़ के चला जाता है। सही सही, वो शौक खत्म हो जाता है। अपना शौक भी खत्म ना करें, थोड़े से स्टार्ट करें, उससे सीखें, भले उससे ना कमाए शुरू वाले, अगर कोई सस्ती ब्रीड है, अगर आप कहते हैं कि भाई सस्ती ब्रीड है तो वो जाहिर सी बात है ज्यादा लोगों के पास होगी। सही सही है। मैं तो ये कहता हूँ कि शौक होता है तो बंदा शौक से ही करता है, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेगा तो वो कभी भी नहीं कामयाब होगा। सेल के लिहाज से ये है कि ये रेयर ब्रीड्स हैं, ये जो है मतलब बर्ड्स की तरह मार्केट के अंदर जो है वो इजीली वहाँ पर इनके कस्टमर्स नहीं मिलते, टोटल सोशल मीडिया के ऊपर है। ऑयल एक सबसे मेन जगह है जहाँ पर आप सेल कर सकते हैं, उसके बाद जो फेसबुक है, फेसबुक वगैरह के अंदर आप सेल कर सकते हैं, वहाँ पे जो बिजनेस ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पर आप मार्केटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं रैबिट के, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम बहुत बड़ी मार्केट है, तो कुछ बिजनेस पर्पज के लिए लोग आपसे लेंगे, कुछ शौकिया लेंगे, तो जो है वो चीजें चलती रहती हैं, चीजें चलती रहती है, सर्कल चलता रहता है, नए आने वाले बढ़ते जाते हैं, हर कुछ बढ़ते जाते हैं और जरूर कारोबार चलता रहता है। ठीक है भाई रेहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और उम्मीद है टाइम निकाला आपने, कोई मसला नहीं, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।